फिलहाल ये देख लो यहाँ का फेमस आ गया झोल मोमो। सबसे पहले देखते हैं इनका झोल क्या चीज का है। मेरे को खुद बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं आपको रिकमेंड। तो ये जो झोल मोमो है आप ट्राई कर सकते हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग का शुरुआत हो रहा है अपना सिटोंग से। मैं पिछले दो दिनों से सिटोंग में ही हूँ, यहाँ के होमस्टे में स्टे कर रहा हूँ। मैं कमाल का एक्सपीरियंस रहा मेरा, वैसे फर्स्ट टाइम है होमस्टे में। ओवरऑल मेरे को काफी बढ़िया लगा, एकदम घर जैसा खाना, रूम भी तो एकदम घर जैसा ही है। होटल एंड होमस्टे में फर्क मेरे को क्या लगा, जैसे कि यहाँ पे कोई रिसेप्शन नहीं होता, 9 पे कॉल करके ये मंगा लो वो मंगा लो, एक मोबाइल नंबर वो आपको दे देंगे, आपको उसी में कॉल करके अगर कुछ चाहिए तो मांग सकते हो। तो फिलहाल अभी अपना ब्रेकफास्ट आ गया तो ब्रेकफास्ट करते हैं और आज हमें निकलना है सिलीगुड़ी के लिए। फिलहाल यहाँ पे देख लो ये है अपना आज का ब्रेकफास्ट, रोटी या आलू की सब्जी साथ में एक बॉइल्ड एग। और हाँ, सिलीगुड़ी जाते वक्त यहाँ का आसपास का जो मेन लोकेशन है ना सिटोंग का, वो हम लोग विजिट करते हुए जाएंगे। वैसे अभी हम लोग रूम में थे, लवली आई थी ऐसे ही बाहर वॉक करने के लिए, वो बोली कि एक बार बाहर जाओ, बाहर का वेदर देख के। अभी मैं बाहर आया हूँ भाई, देख लो पूरा फॉग हो चुका है चारों ओर। यही है ना, कुछ समझ में नहीं आता, कभी मौसम एकदम क्लियर रहता है, कभी देख लो एकदम फॉग हो जाता है। खैर कोई नहीं, अभी हम लोग भी रेडी हो रहा है, चेंज करके फिर निकलते हैं, अपना कार भी आ जाएगा थोड़ी देर में, लेट नहीं करते नहीं तो फिर सिलीगुड़ी लेट पहुंचेंगे तो फिर आगे का काम भी लेट ही होगा। ये हम जो भी टूरिस्ट लोग आता है, हम जाते जाते हम विदाई परेड करते हैं। अच्छा विदाई, ठीक है चलिए। अभी हमारा अच्छे से विदाई हो चुका है और सर ने हमें गिफ्ट भी दिया है जो यहाँ के ऑनर है। और बाकी यहाँ पे जो भी स्टाफ आपको मिलेंगे ना, ये मैम हमें काफी अच्छे से सर्विस वगैरह कर रही थी, काफी अच्छा लगा। ओवरऑल सर आपका प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है, नेक्स्ट टाइम विद फैमिली आऊंगा मैं, ठीक है। चलो अभी फटाफट निकलते हैं, मौसम बैक टू बैक खराब होते जा रहा है, देख लो अभी हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है। चलो जय माता दी लवली। ओवरऑल ये मेरा फर्स्ट होम स्टे, मतलब होम स्टे में स्टे था, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। ये ऊपर की तरफ देखो, हमें लग रहा था फॉग है लेकिन ये फॉग नहीं, क्लाउड है पूरा। अभी दोपहर का लगभग मैं बता दूं 12 बजने वाला है लेकिन ऐसा लग रहा है सुबह का 6 या 6:30 बज रहा है। चलो जी अभी हम लोग तो जा रहे थे वैसे सिलीगुड़ी के लिए, जैसा कि मैंने बताया था हम लोग मतलब जो साइट सीन करते हुए जाएंगे। तो अभी सबसे पहले पॉइंट में आ गया है जो कि ऑरेंज गार्डन, मतलब संतरे का यहाँ पे खेती होता है। और एक बात मुझे पता चला, जो सिटोंग है ना वो टोटल 3 पार्ट में डिवाइड है, एक सिटोंग 1, सिटोंग 2, सिटोंग 3। चलो इधर जाना है हमें अभी। ऑल राइट, तो देख लो ये ऊपर सारा लगा हुआ है ऑरेंज, पूरा चारों ओर हमें दिख रहा है ऑरेंज ही ऑरेंज दिख रहा है। ये नीचे की तरफ भी जहाँ जहाँ नजर जा रहा है ऑरेंज ही है, देख लो। और ये धीरे धीरे ना मतलब पक रहा है। तो अभी मैंने पता किया भैया से, जो ये सब तोड़ने का जो सीजन होता है ना वो जनवरी में होता है, लेकिन वो बोल रहे हैं अभी भी आप ले सकते हो, मीठा ही होगा। और देखते हैं बढ़िया भाई, ये एक्सपीरियंस अलग है, चारों ओर ऑरेंज ही ऑरेंज है। नागपुर तो कभी विजिट नहीं कर पाया, अभी भैया हमारे लिए मस्त एक ऑरेंज तोड़ने वाले हैं ये। तो देख लो ये ऑरेंज, तो यही है, आप लोग भी आ सकते हो ऐसे ऑरेंज गार्डन घूमने के लिए। और मैं बता दूं ऐसे छोटे छोटे करके ना बहुत सारे ऐसे गार्डन है ऑरेंज के, 50 रुपीज करके चार्ज भी लेंगे, ऐसा नहीं कि फ्री में, मतलब देख लो। तो हाँ 50 रुपीज करके हम लोग पे भी करेंगे पर पर्सन, बाकी उन्होंने ये तोड़ कर दिया है। चलो इसको खाते हैं, बताएंगे कैसा है, मीठा है कि नहीं है। एक संतरा हम लोगों ने ले लिया है, देखते हैं कैसा है, पेड़ से तोड़ कर खा रहे हैं, थोड़ा खट्टा है। ये एक्सपीरियंस भी कमाल का है, मस्त ऐसे संतरे के बागान में घूमो, तोड़कर खाओ, बट 50 रुपए भी रेडी रखो। इधर तो आपको दिख ही रहा होगा ऑरेंज गार्डन, नीचे की तरफ भी पूरा भरा हुआ है। ओके दादा थैंक यू। तो इन्हीं का ये गार्डन है, घुमा रहे थे मस्त एकदम। चलो अपना कार भी रेडी है, वो अपना कार है। ऑरेंज गार्डन से निकलने के बाद अपना जो अगला स्टॉप है वो है जोगीघाट, वहाँ पे कुछ तो रिवर व्यू है वो आपको दिखाऊंगा वहाँ पहुँच के। जिस रूट से हम लोग आए थे ना वो रूट से ये वाला जो रूट है ना थोड़ा मतलब रोड अच्छा है इसका, उतना भी नहीं लेकिन अच्छा है, उससे तो ज्यादा अच्छा है। ऑल राइट, तो फाइनली अभी हम लोग अपने सेकंड लोकेशन में पहुंच गए हैं जो कि है जोगीघाट ब्रिज। और इस ब्रिज का ओपनिंग किया था रामदेव बाबा ने, तो देख लो जी कुछ ऐसा ब्रिज है। और ये सामने की तरफ देख लो हैंगिंग ब्रिज भी है, आपको दिख रहा होगा जो सबसे पुराना ब्रिज है। वाह यार लोकेशन तो मस्त है, लिटरली यार बहुत खूबसूरत लग रहा है ये तो। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं, वैसे ये तो देख रहे हो स्टील ब्रिज है और ये जो है ना हैंगिंग ब्रिज है, मतलब पुराना जोगीघाट ब्रिज आप बोल सकते हो।
तो जोगी घाट ब्रिज से हम लोग अभी निकल चुके हैं, जा रहे हैं यहाँ से मोंगपो, वहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का घर है। तो ये सब इसलिए मैंने आज वाले दिन प्लान किया ना, क्योंकि ये सब कुछ ऑन द वे आएगा। अभी हम लोग जो जा रहे हैं ना सिलीगुड़ी, आप भी ऐसे ही प्लान कर सकते हो, आपका टाइम भी बच जाएगा, आप अपने डेस्टिनेशन में भी पहुंच जाओगे, घूम भी लोगे, कार तो आप हायर कर ही रहे हो, तो सब काम एक साथ हो जाएगा। ऑल राइट, तो अभी हम लोग अपने थर्ड लोकेशन पे पहुंच गए हैं, रविंद्र भवन। यहाँ कोई टिकट भी लेना पड़ेगा हमें। ये देखो, कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर। आप में से काफी लोग जानते होंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर, ये टैगोर कोई इनका सरनेम है नहीं, टैगोर कोई सरनेम नहीं है इनका, इनका जो सरनेम है ठाकुर है। जो बाहर के लोग थे, ब्रिटिश वाले जो लोग थे, वो ना ठाकुर ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, वो बोलते थे ठाकुर ठाकुर, वो ठाकुर ठाकुर करते करते वो टैगोर हो गया। तो समझे, ये बात है, इनका जो रियल नेम है वो है रविंद्रनाथ ठाकुर। पता था ये बात? नहीं पता था, तुम तो अभी सुन गए। ऐसा बात नहीं है, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हम भी देते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब हाँ, इस जगह के बारे में हमें ज्यादा आइडिया नहीं है। ऑल राइट, तो देख लो, यहाँ म्यूजियम है। मेरे को लगता है ये म्यूजियम के लिए टिकट लेना पड़ेगा हमें। ये म्यूजियम में जाने के लिए मैंने अभी टिकट ले लिया है 25 रुपीज करके, दो टिकट लिया हम लोगों ने 50 का। जाते हैं अंदर म्यूजियम के अंदर, अगर रिकॉर्डिंग अलाउ हुआ तो करेंगे, नहीं तो फिर बीच में कोई स्टॉप लेंगे नहीं। कुछ खाने पीने का भी मन नहीं कर रहा है अभी। अब एक ही बार एक काम करता है ना, डायरेक्ट निकलते हैं सिलीगुड़ी के लिए। तो चलो जी, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन अभी ना मेरा ध्यान पड़ा ऊपर। भाई ऊपर देख लो, ट्री हाउस है यार, भाई यहाँ तो स्टे करने का मन कर रहा है मेरे को। वैसे देख लो, अभी हम लोग निकल चुके हैं सिलीगुड़ी के लिए, अब जा रहे हैं अपने होटल। सिलीगुड़ी में भी हम लोगों ने होटल लिया है, क्योंकि कल हमारा ट्रेन है, इसलिए अब जाके वहीं पे स्टे करेंगे। बाकी ये जो रूट देख रहे हो ना, ये कनेक्ट हो जाएगा NH10 में। तो अभी हम लोग कर रहे हैं चेक इन अपने होटल में। हाँ जी, तो अभी जस्ट हम लोग अपने होटल में चेक इन किए हैं, और आपको ना एक काम करते हैं, फटाफट से एक रूम टूर दे देते हैं। वैसे तो बिल्कुल भी देने का मन नहीं था, लेकिन होटल काफी बढ़िया था, इसलिए मैं सोचा चलो एक बार एक रूम टूर दे देते हैं। तो देख लो, जैसे ही आप यहाँ से एंटर करोगे, ऐसा कुछ अपना रूम है, ये सारा यहाँ पे चाय कॉफी का तामझाम, चलो ठीक है, ये सब कुछ भी काफी बढ़िया है, लेकिन सबसे मेन ये देख लो भाई साहब, बाहर का कुछ ये नजारा है। ये थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगा, मेरे को इसका याद आ गया, इंडोनेशिया का याद आ गया। वही मैं सोचा था रूम में ना, मतलब चेक इन करके मैं आराम से रेस्ट करूंगा, लेकिन इतना बढ़िया रूम था, मैं सोचा चलो एक आपको रूम टूर दे ही देते हैं। वो सही है ना, ये बालकनी है अपना, यहाँ से निकलोगे डायरेक्ट पूल के अंदर, मस्त अपना नहाओ फिर अपने बालकनी में आ जाओ। ये सही है, ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने ज्यादा नहीं देखा यहाँ पे। आते ही देख लो, चाय आ चुका है अपना, चाय और कॉफी है ना। चाय कॉफी, मसाला टी मेरा और तुम्हारा कॉफी, देखकर अच्छा लग रहा है ना। हाँ जी, तो देख लो, रूम में आने के बाद तो आपको ही पता है मैंने चाय कॉफी मंगाया था, मतलब चाय लवली के लिए, कॉफी अपने लिए। वो सब पीने होने के बाद अभी रेडी हो गए हैं। अभी सोच रहे हो कि मेरे को सुबह सुबह जाना है, फिर भी मैंने ये होटल क्यों बुक किया है, तो मैं बता दूं, हमारा एक फ्रेंड है जिन्होंने ये सब कुछ बुकिंग वगैरह करा है यहाँ पे, अभी वही हमारा एक छोटा सा मीट है, वही जा रहे हैं हम लोग। देखो, कम्फर्टेबल अगर सब कुछ रहा तब ब्लॉग आगे करेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये स्टार्टिंग से ही है, मैं जल्दी किसी के मुंह पे जल्दी कैमरा मारता नहीं हूँ, थोड़ा सा मेरे को ऑकवर्ड लगता है, जब देखता हूँ अगला बंदा जो है कंफर्टेबल है तब मैं खुल के ब्लॉगिंग करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल वही सीन है अभी, तो देखते कहाँ जाते हैं। वो बोल रहा था आसपास में आपको घुमाते हैं, मैं बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, इतने रात को पता नहीं क्या घूमेंगे। हाँ जी, तो मैंने आपको बताया ना कि अभी हम लोग निकल रहे हैं बाहर, और किसी से मिलने जा रहा हूँ मैं। किसी से क्या, मैं बता दूँ आपको, मैं आया हूँ मिलने के लिए अपने विनीत भाई से। इतने दिन से जो मैं घूम रहा हूँ, आपने देखा होगा वाओ गेटवे का मैं इतना तारीफ किया जा रहा था, भाई ने वाकई में काफी बढ़िया तरीके से हर कुछ मैनेज किया मेरा। थैंक यू सो मच मोहित जी कि आप आए हम लोग साथ घूमे, एंड इट वाज अ प्लेजर टू सर्व यू। मैं इसका एज देख के शॉक हो गया भाई, बहुत अच्छा लगा। इस एज में आप इतना काम कर रहे हो, मतलब सीखना चाहिए लोगों को आपसे। ये आप लोगों का प्यार है जो आज हम ये चीज कर पाए, एंड आप लोग भी आइए एक बार ऑब्वियसली साथ, एंड एक बार आप एक्सपीरियंस देखिएगा मोहित जी का कैसा था। जरूर जरूर, एक बार आप डेफिनेटली आइएगा फिर से। डन डन, विद फैमिली। चलो, और एक बात मैं बता दूं, जब भी आपको ऐसा नॉर्थ बंगाल सिक्किम घूमने का मन करे, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, काफी कमाल का एक्सपीरियंस रहेगा। और अगर बीच में कुछ 19-20 होता भी है, डायरेक्टली बात कर लो, हमेशा एक बंदा आपके साथ रहेगा जिससे बात कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और भाई ने, विनीत भाई ने ही बताया कि मोहित भाई एक होम कैफे तो ये एक होम कैफे है, यहाँ का एक झोल मोमो बहुत फेमस है, आपको एक बार वो ट्राई करना चाहिए। चलो ठीक है भाई, मोमोज और हम कैसे पीछे हट सकते हैं। वही अभी हम लोग आ गए होम कैफे में, और यहाँ पे सबसे पहले अभी वो झोल मोमो तो रेडी हो रहा है, यहाँ का कुछ कीमा नूडल्स है, ये होम मेड इनका कुछ नूडल्स होता है, तो मैं बोला चलो भाई ये भी ट्राई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ मैडम को देख लो अभी चाय, तो चलो ये फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ ऐसा कुछ कीमा नूडल्स, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ इससे ज्यादा एक्साइटेड मैं यहाँ के झोल मोमो के लिए हूँ। लेकिन एक बार आप विजिट करना, क्योंकि यहाँ के जो ऑनर है ना, अभी मेरा उनसे बात हुआ, बहुत स्वीट है, मजा आ गया उनसे बात करके, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, खाना 19-20 हो चलेगा, लेकिन उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर भी देखते हैं कैसा है इनका नूडल्स, कीमा नूडल्स, ये थोड़ा मिक्स करते हैं, ये सच बता रहे इसको खाने का मजा चॉपस्टिक से। आपने सुना है ना दीवारों के भी कान होते हैं, सुन लिया, मैंने बोला ना चॉपस्टिक से खाना चाहिए, तुरंत आ गया चॉपस्टिक, देख लो।
तो ओवरऑल मैं बता दूं, अभी मैंने टेस्ट किया इसको, ये जो कीमा है ये बहुत सही है, और इन्होंने ना एक साथ ऑयल यूज किया, बहुत बढ़िया लग रहा है ये। स्पाइसी मेरे को लगा स्पाइसी होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। और क्या है ना, इसको मिक्स करके खाने में ना एक अलग सा डिफरेंट सा टेस्ट आ रहा है। एक बार मैं रिकमेंड करूंगा, तुम भी ट्राई करो, तुमको भी अच्छा लगेगा। ट्राई करते हैं। अभी लवली इसका ट्राई करने वाली है कीमा, देखना कैसा है। अच्छा है ना। फिलहाल ये देख लो, यहाँ का फेमस आ गया झोल मोमो। सबसे पहले देखते हैं इनका झोल क्या चीज का है। स्पाइसी लग रहा है सुनकर तो। तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा स्पाइसी। मोमो के साथ ट्राई करते हैं। इनके पास मोमो का भी ना तीन ऑप्शन था, एक वेज, एक चिकन, एक मटन। तो मैंने ये मटन वाला लिया है। ट्राई करते हैं विद झोल। इसको ऐसे खाना है ना झोल के साथ ना, एकदम बिंदास। गरम आराम से, गरम है। सबसे पहले मैं झोल को साइड करता हूँ। इनका जो मोमो है ना, जो लिटरली हमें वो जो कोटिंग होता है ना मोमो का, मेरे को एकदम जो पतला कोटिंग होता है ना मोमो में, वो बहुत पसंद है। एग्जैक्टली वही कोटिंग है। स्टफिंग जितना होना चाहिए उतना ही है, ऐसा नहीं कि पूरा ठूस कर डाला हुआ है। मतलब खा रहे हो ना, ऐसा नहीं ड्राई ड्राई सा लग रहा है बस ऊपर ग्रेवी, अंदर ड्राई ड्राई नहीं, अंदर भी जूसी ऊपर से भी जूसी। ओवरऑल ये नया चीज मैंने ट्राई किया। ये चीज हमें मिलना चाहिए था सिटांग में या फिर दार्जिलिंग में। हाँ, सही, वो भी खुले में बैठ कर खाते हैं हम लोग आराम से। लिटरली यार मजा आ जाता है। मैं बता रहा हूँ इनका स्टीम मोमो भी आप लोग ट्राई करना, बहुत बढ़िया होगा। ये देख कर ही पता चल रहा है इनका मोमो वाकई में बहुत अच्छा है। मेरे को खुद बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड। तो ये जो झोल मोमो है आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन एक और चीज, मैं इसको काफी हल्के में ले रहा था, इनका ये जो कीमा नूडल्स है, क्योंकि मैं इसको एज अ, मैम ने बोला कि यहाँ का ये भी अच्छा होता है, मैं बोला ठीक है लेके आ जाओ, मेरा मेन फोकस इस पर था, लेकिन ये भी अच्छा निकलेगा ये हमें नहीं पता था। तो आप अगर आ रहे हो सिलीगुड़ी, होम कैफे एक बार विजिट करना ना बोलना, ऐसा कुछ देख लो, एम्बियंस है यहाँ का अच्छा है, बढ़िया, तो एक बार जरूर विजिट करना। वैसे तो मैं रूम आ गया था मोमो कैफे से, और रूम आने के बाद वही अपना पैकिंग वगैरह करने लगा। वैसे पैकिंग ज्यादा करना नहीं था, सारा सामान तो एक ही जगह था, लेकिन हाँ फिर भी बहुत सारा सामान हमारा बाहर था, उसको अंदर रखना था, वो सब कुछ हम लोगों ने कर लिया है। अभी फिलहाल देख लो सुबह सुबह रेडी हो गए हैं अपने घर के लिए, लगभग 8 या 9 दिन बाद अपने घर जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, सच बता रहे हैं। फिलहाल अभी ये वाला वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, अगर यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कर दे रहा हूँ, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो, ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। एंड वीडियो एंड करने से पहले ये बोलूंगा, विनीत भाई के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगा। अगर विनीत ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत जल्द आते हैं सिलीगुड़ी, एक बढ़िया वाला प्लान करते हैं, तब अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे सिलीगुड़ी को। भाई बहुत कुछ बता रहा था सिलीगुड़ी के बारे में, क्योंकि वो यही से है ना, इसलिए। तो चलो कोई बात नहीं, मिलते अगले ब्लॉग में, तब तक ले बाय। Farra, farra, farra. Ella quiere farra, farra, farra. Ella está soltera, no tiene alguien que la amarra.